हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉइजन आईवी ये 1992 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक टीनेज लड़की जो बहुत ही अकेली होती है, उसकी एक फ्रेंड बनती है। इस लड़की की फैमिली में उसकी फ्रेंड आने के बाद सब कुछ तबाह होने लग जाता है। ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है, तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक जंगल का स्पॉट दिखता है जहाँ पर झूला वगैरह होता है। यहाँ पर सब टीनेजर्स हैंग आउट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर आईवी झूला झूल रही होती है, और भी एक मेन कैरेक्टर यहाँ है जिसका नाम होता है सिल्विया। सिल्विया डायरी में कुछ लिख रही होती है, पर ये आईवी के बारे में ही होता है। आईवी बहुत ही ओपन माइंडेड है, किसी से भी बात कर सकती है, बहुत ही डैशिंग है। आईवी के बॉडी पर टैटू है जो सिल्विया कभी नहीं कर सकती। सिल्विया को आईवी की तरह ही बनना है, सिल्विया को आईवी की तरह ही करेज चाहिए। जब ये सब स्पॉट पर हैंग आउट कर रहे होते हैं तो उन्हें जोर की आवाज आती है। रोड तक जब वे पहुंचते हैं तो किसी ने गाड़ी से कुत्ते को उड़ाया होता है और वो चला गया होता है। ये सब वहां पहुंचते हैं तो कुत्ता तड़प रहा है, ये सिल्विया से देखा नहीं जाता। वो सबसे कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। बाकी लड़के कह रहे होते हैं कि पेन में है, इसे हमें मार डालना चाहिए। आईवी तभी एक बड़ा सा डंडा लेती है और कुत्ते को मार डालती है। सिल्विया को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्विया प्रिंसिपल के ऑफिस में है। यहाँ पर थोड़े टाइम में आईवी भी आ जाती है। सिल्विया आईवी का टैटू देख रही होती है। ये जो टैटू है, ये ग्रेव पर आईवी का प्लान आया हुआ है, इस तरह का इसे ड्रॉ किया गया है। आईवी देखती है कि सिल्विया उसके टैटू में इंटरेस्टेड है। सिल्विया कहती है कि मुझे आईवी पसंद है। आईवी बोलती है कि डेथ एंड लाइफ दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सिल्विया आईवी से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो। चल में आईवी ट्रबल में आ चुकी है क्योंकि स्कॉलरशिप से वो स्कूल में पढ़ती है, उसके ग्रेड्स अब कम आ रहे हैं, तो इसीलिए प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। फिर आईवी सिल्विया से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो। सिल्विया ने एक न्यूज चैनल को कॉल किया था और बोला था कि तुम्हारे यहाँ बॉम्ब रखा हुआ है, सब डर गए थे और बहुत ही इनकन्वीनियंस हुआ था। आईवी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सिल्विया कहती है कि वहाँ का एंकर मुझे पसंद नहीं आता, उसने कहा था कि 18 साल की लड़कियाँ गाड़ी नहीं चला सकती क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल होती है। फिर आईवी पूछती है कि तुमने ये कॉल किया था, ये कैसे उन्हें पता चल गया। आईवी फिर फिगर आउट कर ली थी और कहती है कि वो तो तुम्हारे डैडी थे। सिल्विया थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि अपने डैड को ही उसने थ्रेट किया था। ये करने के लिए बहुत ही डेरिंग लगी होगी, इसलिए आईवी अब उससे इम्प्रेस। जब स्कूल छूट जाती है तो सिल्विया के फादर उसे लेने के लिए आते हैं। सिल्विया के फादर उस पर बहुत ही नाराज है। वो कहते हैं तुम्हारी वजह से 200 लोगों को हमको ऑफिस से बाहर निकालना पड़ा। सिल्विया उन्हें सॉरी कहती है, पर फादर अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहते हैं कि अब तुम ग्राउंडेड हो, यानी कि सिल्विया अब कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। इस इंसिडेंट से सिल्विया के फादर का जॉब भी जा सकता है, इसीलिए वो और भी नाराज है। ये दोनों गाड़ी में ही होते हैं तभी आईवी आ जाती है। आईवी इनसे लिफ्ट मांगती है। सिल्विया ग्राउंडेड है तो किसी को भी हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए सिल्विया के फादर उसे मना कर देते हैं। सिल्विया बहुत ही रिक्वेस्ट करती है तो इसके बाद आईवी को लिफ्ट देने के लिए वो मान जाते हैं। सिल्विया के फादर सिल्विया से पूछते हैं कि इसका नाम क्या है। सिल्विया कहती है कि इसका नाम आईवी है। सिल्विया को आईवी का नाम नहीं पता होता तो कहती है कि आईवी है। एक्चुअल में आईवी का नाम आईवी नहीं तो कुछ अलग है, पर इस मूवी में उसका नाम हमें बताया नहीं गया है। आईवी पूछती है कि प्लीज मुझे फ्रंट सीट पर बैठने दो। अगर वो बैक सीट पर बैठती है तो उसे तकलीफ होती है। आईवी गाड़ी में बैठकर अपने पैर डैशबोर्ड पर रखती है। सिल्विया के फादर इसे नोटिस करते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट डे आईवी और सिल्विया फिर से मिलते हैं तो सिल्विया पूछती है कि तुम्हारा एक्चुअल नेम क्या है। आईवी कहती है कि मेरा नाम मुझे पसंद नहीं है, तुमने मुझे आईवी पुकारा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी लाइफ मुझे फिर से स्टार्ट ओवर करने का चांस मिलता है नए नाम के साथ, इसलिए आईवी को आईवी नाम ही पसंद आता है। आईवी फिर सिल्विया के गले में एक नेकलेस देखती है, ये ब्लू डायमंड होता है। ये देखकर उसे बहुत ही पसंद आता है। सिल्विया कहती है कि मेरे फादर ने मुझे दिया है। आईवी बोलती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ही प्यार करते होंगे। सिल्विया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे एक्चुअल फादर नहीं है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, इसलिए उन्हें बुरा लग रहा होगा इसलिए उन्होंने मुझे बाय कर दिया। मेरी मदर एक्चुअल मदर है। सिल्विया कहती है कि मेरे ओरिजिनल फादर ब्लैक थे। सिल्विया के हेयर्स कर्ली होते हैं तो इसीलिए ये कहती है। आईवी कहती है कि मेरे फादर मुझे बहुत ही हेट करते हैं, मैं कभी भी उनसे सही से बात नहीं करवाती। मेरे फादर किस तरह से है इन्हें जानने के लिए उनके रूम में मैं जब गए तो मुझे बहुत सारी मैगजीन्स मिले, ये अडल्ट मैगजीन्स होती है। सिल्विया पूछती है कि क्या इसी वजह से तुम इस तरह के कपड़े पहनती हो। आईवी को उसके फादर से अटेंशन मिल सके इसी वजह से वो इस तरह से रहती है। ये दोनों बातें करते करते सिल्विया के घर तक आ जाते हैं। ये घर बहुत ही बड़ा होता है, आईवी बिलीव नहीं कर पाती। सिल्विया को उसका हाउस भी पसंद नहीं आता, वो कहती है कि इतना बड़ा है तो यहाँ लोगों को मैं ढूंढ नहीं पाती। सिल्विया और आईवी के स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसी से भी बातें नहीं कर सकती, पर एक दूसरे से अच्छी बातें कर रही है तो एक दोनों की फ्रेंड बन जाती है।
सिल्विया आइवी को अपने घर में इनवाइट करती है। सिल्विया कहती है कि मेरी मॉम से मैं तुम्हें नहीं मिला सकती, क्योंकि उसकी जो मॉम है यह हमेशा बीमार रहती है। सिल्विया को लगता है कि उसकी मॉम बीमार होने का ढोंग करती है। यह घर बहुत ही ऊंचाई पर है। जब ये दोनों बैल्कनी में आती है तो आईवी कहती है कि अगर मुझे मरना होगा तो मैं इसी हाइट से मरूंगी, मैं गिरते वक्त प्रिटेंड करूंगी कि मैं उड़ रही हूँ। सिल्विया कहती है कि मैंने भी एक बार सुसाइड करने का ट्राई किया था, उसने अपनी नस काट ली थी। तभी सिल्विया की मदर वहां जाती है। सिल्विया की मदर ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि सिल्विया ने कभी ये किया ही नहीं था। सिल्विया फिर अपनी मदर को सुलाने के लिए उसके रूम में लेकर जाती है। मदर नाराज है और कहती है कि इस तरह की क्यों तुम बातें कर रही थी, अगर तुम्हें लोगों के सामने प्रिटेंड करना पड़ रहा है तो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स है ही नहीं। मदर को आईवी भी पसंद नहीं आती, कहती है किस तरह की लड़की से तुम फ्रेंडशिप कर रही हो, उसका कैरेक्टर सही नहीं है। तभी आईवी वहां आ जाती है और सिल्विया से कहती है कि मेरी वजह से ट्रबल हो रहा है, मैं अब यहाँ से जाती हूँ। मदर को बुरा लगता है और आईवी से बात करने लग जाती है। मदर पूछती है कि तुम रहती कहाँ हो। आईवी कहती है कि मेरे एंड के साथ रहती हो। आईवी की मदर ड्रगिस्ट थी और इसी वजह से वो मर गई है। उसके फादर भी जेल में आते जाते रहते हैं, इसी वजह से अपनी एंड के साथ ही वो रहती है। उसके एंड उसे पसंद नहीं करती, फिर उसे वहां रहना पड़ता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी सिल्विया के मॉम के ऑक्सीजन मास्क जरा ब्लॉक हो जाता है। ये आईवी लेती है और इसे अनब्लॉक करती है। मदर से सब लोग दूर भागते हैं क्योंकि वो बीमार है और ये बीमारी उन्हें ना लग जाए, पर आईवी इस तरह से नहीं है। ऑक्सीजन मास्क का ब्लॉक निकालने में आईवी नहीं डरती। सिल्विया की मदर को अब आईवी अच्छी लगने लग जाती है। आईवी डेथ से नहीं डरती, उसे लगता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में जाती है, पर वो मरने से पहले बहुत सारी चीजें करना चाहती है। यानी वो गरीब है पर वो गरीब नहीं मरना चाहती। मरने से पहले एक बड़ा सा हाउस हो, उसके पास भी गाड़ी हो, ये सब वो चाहती है। यानी कि सिल्विया के पास जो है यही वो पाना चाहती है। इसके बाद सिल्विया हमसे कहती है कि आईवी और मैं बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बन गई और आईवी मेरे साथ ही रहने लग गई। आईवी और सिल्विया बहुत जगह जाते थे और सब जगह सिल्विया ही पे करती थी। सिल्विया अब आईवी को सब कुछ सच बताती है। वो कहती है कि मेरे जो फादर है ये मेरे रियल फादर है और उसने सुसाइड करने की भी कभी कोशिश नहीं की थी। आईवी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों कहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूल के पास आईवी हैंग आउट कर रही होती है, तभी सिल्विया के फादर वहां आ जाते हैं। फादर अपने ऑफिस के लोगों के लिए पार्टी रखने वाले हैं क्योंकि उन्हें अपने ऑफिस के लोगों को फिर से इम्प्रेस करना है, वरना इनकी जॉब जा सकती है। सिल्विया उन्हें इसके लिए हेल्प करने वाली है। तो इसी सब्जेक्ट से आईवी उनसे बातें करने लग जाती है। बातें करते करते आईवी फादर से कहती है कि मेरे शूज वहां से ला कर दो। फादर से ये शूज पानी में गिर जाते हैं। आईवी इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है कि $150 किए थे। फादर इस पर कुछ ही बोलते नहीं और ये पैसे उसे दे देते हैं। ये वैसे लेते वक्त भी सिल्विया के फादर को आईवी टीज करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिल्विया के रूम में जब आईवी होती है तो सिल्विया को एक कॉल आता है, पर ये आईवी उठा लेती है। जिस दिन सिल्विया के फादर की पार्टी होने वाली है उसी दिन सिल्विया के फ्रेंड उसे कहीं लेकर जाना चाहते हैं, यही इन्फॉर्म करने के लिए उसके फ्रेंड ने उसे कॉल किया होता है। पर ये आईवी उठाती है और उन्हें कह देती है कि सिल्विया उस दिन फ्री है। आईवी को पता होता है कि उस दिन पार्टी है, पर फिर भी ये जानबूझकर ये करती है। सिल्विया के मदर और फादर ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। एक दिन ऐसा ही होता है तो सिल्विया बहुत ही अपसेट होकर वहां से चली जाती है। आईवी और ये दोनों एक जगह पर बैठते हैं तो सिल्विया कहती है कि आज मेरा स्कूल जाने का थोड़ा भी मन नहीं है। तो आईवी कहती है कि चलो कहीं अलग जगह पर चलते हैं। ये इसे डायरेक्टली टैटू बनवाने के लिए लेकर आती है। सिल्विया बहुत ही डर रही होती है क्योंकि टैटू नहीं बनवा सकती है, अगर किसी को भी पता चला तो बहुत ही बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। उसकी मदर उसे पूछ सकती है कि रसोड़े में कौन था, मैं थी तुम थी कौन था। आईवी उसे बोल रही होती है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें करवा लो। सिल्विया कहती है कि तुम्हारे लिए तो ठीक है, तुम उसी तरह की लड़की हो। आईवी को अजीब लगता है, वो कहती है कि तुम बोल क्या रही हो, तुम मुझे समझती क्या हो। इस बात पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और सिल्विया वहां से जा रही होती है। जाते जाते आईवी उसे रोक लेती है, कहती है कि पैसे तो देकर जाओ, मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है। सिल्विया उसे पैसे दे देती है और चली जाती है। 2 मिनट में फिर से वापस आ जाती है। वो कहती है कि इस पैसों में $100 की एक नोट है। आईवी से ये वापस लेना चाहती है। आईवी उसे दे रही होती है पर ये नोट छोड़ती ही नहीं। सिल्विया को भी उनका झगड़ा हो गया तो ये बहुत ही बुरा लगता है। सिल्विया भी हंस देती है और बैठ जाती है। ये दोनों जब बाहर आती है तो उसने भी टैटू करवा लिया है। ये दोनों एक जगह पर बैठी हुई है। सिल्विया कहती है कि मैं तुम्हारी तरह प्रीटी नहीं हूँ, उसे भी प्रीटी बनना है। आईवी कहती है कि तुम सिर्फ जरा लेट हो, तुम ये आगे चलकर बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगी। आईवी सिल्विया के बाल सहलाने लग जाती है।
बहुत पास आ जाती है, उसे किस करती है। आईवी कहती है कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। सिल्विया को अजीब लगता है और वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद हमें सिल्विया के फादर ऑफिस में दिखते हैं। वो अपने कोवर्कर से बात कर रहे होते हैं, पर बहुत ही परेशान है। कोवर्कर पूछता है कि तुम आज इतने परेशान क्यों हो। सिल्विया की मदर बहुत ही बीमार है, तो इन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है। अगर मदर को कुछ हो गया तो ये जी नहीं पाएंगे। इनकी जॉब भी जा सकती है, तो इसका भी उन्हें टेंशन है। अपने कोवर्कर से पूछते हैं कि जो पार्टी में थ्रो कर रहा हूँ, इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा। ये कोवर्कर कहता है कि सब लोग वहाँ आएंगे, वो मजे करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे, और उन्हें जो डिसीजन लेना है, तुम्हें नौकरी पर रखना है या नहीं, यही वो लेंगे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रात में सिल्विया की मदर खिड़की के पास खड़ी हुई होती है। उसे हमेशा सुसाइड के थॉट्स आते रहते हैं। सिल्विया खिड़की से उसे दूर निकालती है और बेड पर सुला देती है। सिल्विया अपनी मदर से बात करने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो अपनी मदर को जानना चाहती है, बहुत सारी उससे बातें करना चाहती है, पर मदर बीमार है तो उसे कुछ भी कर नहीं पा रही। रात में हम देखते हैं कि सिल्विया के फादर एक प्लेट लेकर ऊपर जाकर खा रहे होते हैं। इसमें स्वीट्स है जो उन्हें नहीं चलते, तो छुप छुप कर ये खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आईवी आ जाती है। आईवी इनका मजाक लेने लग जाती है। आईवी कहती है कि मुझे तुम इस तरह से पसंद हो। तुम जब टीवी पर होते हो तो एक कंट्रोल में होते हो। जिस तरह से सब लोग होते हैं उस तरह से मैं तुम्हें तब नहीं देख पाती, पर जब इस तरह से तुम होते हो तो मुझे तुम अच्छे लगते हो। अपनी ह्यूमन साइड तुम और भी दिखाया करो। सिल्विया के फादर के हाथ पर चोट लगी होती है। ये चोट आईवी देखती है और उसे किस कर कर वहां से चली जाती है। फादर आईवी से अट्रैक्टेड है, और उन्हें पता है कि ये गलत है, तो अपने आप करो कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है पार्टी का दिन। सिल्विया अपने फादर को हेल्प करने वाली है, पर सिल्विया के फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। सिल्विया कहती कि वो नहीं आ सकती, पर उसके फ्रेंड उसे प्रेशराइज करते हैं। फादर भी मना कर रहे होते हैं, पर आईवी कहती है कि ये सब कन्फ्यूजन मेरी वजह से हुई है। तो सिल्विया की जगह पर वो अब फादर को हेल्प करने वाली है। जब पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो सिल्विया के मदर का एक ब्यूटीफुल ड्रेस होता है जो आईवी पहन लेती है। सिल्विया के फादर जब ये देखते हैं तो उन्हें आईवी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आईवी को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आईवी ड्रिंक सर्व कर रही होती है। सिल्विया के फादर पहले अल्कोहलिक थे, तो अब वो ड्रिंक नहीं कर सकते, पर फिर भी आईवी उन्हें ड्रिंक दे देती है। इस पार्टी में मदर ऊपर से सब देख रही होती है। वो भी पहले बहुत ही मजे करती थी, सब पार्टियों में आना जाना उसे पसंद था, पर अब ये कुछ भी नहीं कर पाती। मदर को पार्टी चलती हुई देखकर बहुत ही बुरा लगता है और डिसाइड करती है कि फिर से वो रेडी हो जाएगी। पार्टी खत्म होती है और फादर के पास आईवी आती है। वो म्यूजिक चलाती है और डांस करने लग जाती है। फादर भी आईवी के पास आते हैं और उसके साथ डांस करने लग जाते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को हग किया है, तो ये सिल्विया की मदर आकर देख लेती है। ये हार्ट ब्रोकन हो जाती है, अपने रूम में चली जाती है और सिल्विया के फादर भी उसके पास आते हैं। ये बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर में आईवी भी आती है। आईवी कहती है कि मैंने आज तुम्हारा ड्रेस पहना था, इसीलिए सब मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तुम्हारे हस्बैंड किचन में आए तो तुम्हें याद कर कर ये रो रहे थे, मैंने उन्हें सहारा दिया था। सिल्विया की मदर को यह सच लगता है। आईवी उसे ड्रिंक बनाकर देती है और मदर यही सो जाती है। फादर के पास आकर आईवी जानबूझकर ग्लास गिरा देती है। ये उठाने के लिए फादर झुकते हैं और उसके लेग को किस करने लग जाते हैं, क्योंकि अब वो बहुत ही ड्रंक है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। थोड़ी देर में इन्हें रियलाइज होता है कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और वहां से चले जाते हैं। रात में जब सिल्विया घर पर आती है तो उसका डॉग आईवी के साथ सोया हुआ होता है। ये उसे देखकर बहुत ही जेलस महसूस होता है। आईवी सिल्विया के डॉग को स्नैक्स देती है, इसी वजह से उसका डॉग हमेशा उसके साथ रहता है। नेक्स्ट डे हमें दिखता है कि आईवी सिल्विया के मदर के कार के पास है। वो अंदर बैठ जाती है। जब सिल्विया देखती है तो बहुत ही चिढ़ जाती है। वो कहती है कि मेरी मदर की ये कार है, तुम इसमें नहीं बैठ सकती। वो आईवी को धोखेबाज बोलती है, क्योंकि उसकी मदर की कार में वो बैठी है और सिल्विया का डॉग अब आईवी के साथ ही रहता है। आईवी कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हारा डॉग तो तुम्हारा ही है। इन दोनों में और भी झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करने लग जाती है। ये डॉग को बीच में रखते है और दोनों उसे कॉल करती है। डॉग बेचारा कन्फ्यूज होता रहता है उसे किसके पास जाना है। लास्ट में आईवी डॉग को जो स्नैक खिलाती है वो स्नैक का आवाज करती है और डॉग आईवी के पास चला जाता है। सिल्विया नाराज होकर वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल से आईवी को लेने के लिए सिल्विया के फादर आते हैं। आईवी उस पर चिढ़ी हुई है। कल रात आईवी के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से आईवी अब उन पर चिढ़ी हुई है। ये गाड़ी में नहीं बैठती और जलने लग जाती है। सिल्विया के फादर कहते हैं गाड़ी में बैठो। उसे वो फोर्स कर रहे होते हैं तो आईवी कहती कि तुम मेरे फादर नहीं हो। सिल्विया के फादर कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। इसके बाद उसके गाड़ी में बैठ जाती है। अब फादर कहते हैं कि जो भी सब हमारे बीच में हुआ था ये नहीं हो सकता।
आईवी कहती है कि ये तो हो चुका है। फादर कहते हैं मैं स्टॉप कर सकता हूँ। आईवी कहती है गाड़ी यहीं पर रोक दो। आईवी कह रही होती है कि उसे हैंडल कर सकती है। इसके बाद सिल्विया के फादर गाड़ी जंगल में लेकर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब आईवी रात में घर आती है तो सिल्विया को डोर ओपन करने के लिए कहती है। कहती है कि अगर तुमने मुझे एंट्री दी तभी मैं घर में आऊंगी। सिल्विया भी आईवी को माफ कर देती है और उसे घर में आने देती है। नेक्स्ट डे हम देखती है कि सिल्विया की मदर खिड़की पर खड़ी हुई होती है। वहां पर आईवी आती है। आईवी पूछती है कि मुझे पता है कि तुम कभी कभी सुसाइड करने का सोचती हो। मदर कहती है कि हाँ मैं सोचती हूँ। ये बोलकर आईवी डायरेक्टली सिल्विया की मदर को धक्का दे देती है। ये सुनकर सिल्विया मदर के रूम में आ जाती है पर आईवी वहाँ छुप गई होती है। अब मेमोरियल होता है और सिल्विया को लगता है कि उसकी मदर बहुत ही अकेली थी और उसे बहुत ही बुरा लगता है। रात में सिल्विया सो नहीं पाती तो अपनी मदर के रूम में आती है पर अपनी मदर की बेड पर अब आईवी सोई हुई है। आईवी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आईवी कहती कि तुम्हें अकेला रहना था इसी वजह से मैं यहाँ आकर सोई हूँ। सिल्विया बोलती है मेरी मदर से मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, उसे कुछ चीज़ें मुझे कहनी थी वो मैं नहीं कह पाई। आईवी बोलती है तुम प्रिटेंड करो कि मैं ही तुम्हारी मदर हूँ और सब कुछ बोल दो। सिल्विया अपनी मदर से बात करी है ऐसा प्रिटेंड करती है और कहती है कि तुमसे बहुत ही जिलस थी, सब लोग तुम्हें बहुत ही प्रीटी मानते थे और मैं उतनी प्रीटी नहीं थी, मैं इस घर में बहुत ही ऑड थी। वो फिर कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी। अगले दिन सिल्विया के फादर का जॉब चला जाता है। ये अल्कोहलिक ही है तो ये दारू पीने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिल्विया अपनी मदर के कार को वॉश कर रही है। यहाँ पर आईवी भी आ जाती है। वो कहती है कि चलो हम तीनों राइड पर चलते हैं। सिल्विया के मदर की अस्थियों का कलश हुआ है। आईवी को सही से ड्राइव करना नहीं आता पर फिर भी वो ड्राइव कर ही रही होती है। जब वे कार में होते हैं तो आईवी एक गाना गुनगुनाती है। सिल्विया को ये गाना सुनकर सस्पिशन आता है। वो आईवी से पूछती है कि ये गाना तो मेरी मदर सुनती थी, मेरी फादर ने स्पेशली उनके लिए बनवाया था, ये तुम कैसे गुनगुना रही हो। सिल्विया की मदर सिर्फ उसके बर्थडे पर ये गाना लगाती है। जिस दिन सिल्विया की मदर मरी थी उस रूम में यही गाना चल रहा था। सिल्विया कहती है कि मेरी मदर जब सुसाइड कर रही थी तब तुम उसके रूम में थी। आईवी डर कर चिढ़ कर कहती है कि तुम मुझे अक्यूज करती हो। वो खुद ही चिल्लाने लग जाती है कि सब लोग मुझे हमेशा अक्यूज ही करते रहते हैं। इन दोनों में फाइट होती है और इनकी गाड़ी एक जगह पर टकरा जाती है। इसमें सिल्विया के सर पर चोट आती है और ये वो बेहोश होकर गिर जाती है। आईवी को ज्यादा चोट नहीं आती तो सिल्विया को ड्राइवर सीट पर वो बिठाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। इसके बाद हॉस्पिटल में उसके फादर उसे मिलने के लिए आते हैं। नर्स ने फादर को कहा है कि उसके सर पर चोट आई है इसीलिए वो हनुसिनेट कर सकती है। जब फादर सिल्विया से मिलते हैं तो सिल्विया कहती है कि यह सब आईवी ने किया है पर फादर उस पर बिलीव नहीं करते। सिल्विया को अब लगता है कि उसकी मदर के मरने के पीछे आईवी का ही हाथ है। रात में वो सो नहीं पाती क्योंकि उसकी मदर उसे दिखती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल से छुप कर निकल जाती है। वो डायरेक्टली अपने घर पर आती है। घर पर आकर वो देखती है तो उसके फादर और आईवी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हुए है। उसकी मदर की जगह अब आईवी ने ले ली है। सिल्विया के फादर उसे नोटिस करते हैं। सिल्विया वहां से भाग जाती है तो सिल्विया के पीछे पीछे उसके फादर जाते हैं। सिल्विया को ढूंढ नहीं पाते फिर से आईवी के पास आते हैं। आईवी की बॉडी चेक करते हैं तो एक्सीडेंट से उसके बॉडी पर मार्क होते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि आईवी ने झूठ कहा था। वो आईवी को छोड़कर फिर से सिल्विया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आईवी ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आ गई थी तो गीली हो चुकी है। वो ऊपर जाती है, सिल्विया की मदर का गाउन पहन दी है और फिर से वो भी खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। सिल्विया नीचे ही छुपी होती है। वो ऊपर आ जाती है, खिड़की के पास आईवी को कहती है कि मेरी मदर को तुमने मारा है। आईवी कहती है कि वो मरना चाहती थी इसलिए मैंने ये सब किया, हम अब सब फैमिली बन सकते हैं। सिल्विया बहुत ही चिड़ी हुई होती है, उसे कहती है कि बाहर में जाओ और उसे धक्का दे देती है। आईवी नीचे गिरकर मर जाती है। अब सिल्विया मूवी के लास्ट में कहती है कि वो जैसी भी थी पर मैं उसे प्यार करती थी, मैं अभी भी उसे मिस करती हूँ। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।